नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 30 सितंबर को आरकेसीएल आरएससीआईटी का पेपर हुआ और उस पेपर के आंसर की वेबसोल द्वारा जारी की जा रही है, आप बुकलेट के अनुसार अपने आंसर की को चेक कर सकते हैं। प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता हर टच मापी जाती है, यह सही नहीं है। प्रिंटर के लिए हम डीपीए का यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग होता है, यह सही है। इसलिए इसका आंसर है बी, स्टेटमेंट वन गलत है जबकि स्टेटमेंट टू सही है। दूसरा प्रश्न, विंडो 10 के लिए इनबिल्ट रियल टाइम एंटीवायरस इसका नाम क्या है? विंडो 10 में जो रियल टाइम एंटीवायरस दिया गया है उसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर। इसका आंसर डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर का उदाहरण है? इनपुट और आउटपुट डिवाइस। इसका आंसर ए सही है। मान लीजिए 6 क्षेत्रों जैसे कृषि, निर्माण, विनिर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान करते हैं, इनको चार्ट अनुसार दिखाने के लिए हम यूज करते हैं पाई चार्ट। इसका आंसर है डी। कौन सी पीढ़ी में वीएलएसआई के साथ आईसी का उपयोग किया गया? तीसरी पीढ़ी। आंसर है सी। एमएस एक्सेल 2010 की विशेषता नहीं है। 2010 में एक्सेस 2010 में हम आरडीबीएमएस रिलेशनल आधारित संरचना बना सकते हैं। एडीएसआई गुण है एसिड प्रॉपर्टी। रिडंडेंसी कम होती है जबकि इसमें एनिमेशन नहीं होता। इसका आंसर डी सही है। प्रश्न नंबर 7 में, निम्न में से किसकी नेटवर्क ट्रांसमिशन रेंज सबसे कम है? जिसका आंसर है इंफ्रारेड। रिमोट का उदाहरण इसका है जिसकी रेंज सबसे कम होगी। यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने अपने वीडियो में भी बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर सेंसर और नेटवर्क कनेक्टिविटी के साथ एम्बेडेड भौतिक वस्तुओं का निर्माण जिसका यूज क्लाउड पर डेटा शेयर करने के लिए करते हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसका आंसर ए सही है। ट्रैश ईमेल फोल्डर कहाँ है, क्या होते हैं? जब भी अपन ईमेल को डिलीट कर देते हैं वे ट्रैश में चले जाते हैं। इसका आंसर है बी। यह वह जगह है जहां हटाए गए ईमेल संग्रहित रहते हैं। एमएस एक्सेल 2010 में उपयोगकर्ता या तो या ऑप्शन व्यू में नई टेबल बनाता है, तो इसका आंसर ए सही है। उपयोगकर्ता या तो डिजाइन व्यू या डेटा शीट व्यू में नई टेबल बना सकता है। प्रश्न नंबर 11, सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा? जिसका आंसर है बी, सीडी, आर और डीवीडी माध्यमिक मेमोरी के उदाहरण है। यदि आपने लैपटॉप के साथ विंडो 10 का उपयोग कर रहे हैं तो स्पीकर वॉल्यूम, वायरलेस कनेक्शन स्टेटस और डिस्प्ले ब्राइटनेस, ये सेटिंग्स कहां होते हैं? विंडोज मोबिलिटी सेंटर। आंसर सी। एक संचार नेटवर्क या कंप्यूटर चैनल की क्षमता प्रति सेकंड बिट बीपीएस में संचारित को कहा जाता है, तो किसी भी चैनल की क्षमता को मापने के लिए हम बैंडविड्थ का यूज करते हैं। आंसर ए। निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, ड्राइवर सॉफ्टवेयर है, प्रिंटर ड्राइवर, जबकि स्कैनर एक हार्डवेयर होता है। एमएस एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस सही उदाहरण है, तो एमएस एक्सेल का सही सेल एड्रेस होगा AZ145। बी आंसर। कंट्रोल पैनल विंडोज 10 अपीयरेंस और पर्सनलाइजेशन कंप्यूटर सेटिंग्स में क्या करते हैं? ये सभी काम करते हैं। इसका आंसर डी सही है। यह प्रश्न जो हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है? ई गवर्नेंस ड्राइविंग लाइसेंस का उदाहरण है। कौन से नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है जिससे आपका फोन वायरलेस प्रदाता के नेटवर्क के माध्यम से आपको एक स्थान से स्थानांतरित करने के लिए उपयोग करेगा? जीपीएस। आंसर ए। प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को शुरू करते हैं, यह प्रश्न भी हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, जिसके लिए हम ए विकल्प F5 और स्लाइड शो मेन्यू में व्यू शो विकल्प दोनों, तो इसका आंसर डी सही है। निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? प्रश्न ए। आंसर ए सही है। वर्कबुक में एकाधिक वर्कशीट और चार्ट शामिल होते हैं। एमएस एक्सेल में चार्ट के प्लॉट के क्षेत्र में प्रदर्शित हॉरिजॉन्टल रेखाओं को क्या कहा जाता है? इसका आंसर बी सही है, डेटा पॉइंट।
यदि आप एमएस एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर कॉलम या रो को दोहराना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं प्रिंट टाइटल्स। आंसर सी। प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की क्या है? ये एक प्रश्न हम सभी वीडियो में बता चुके हैं, कंट्रोल प्लस एम। ओटीपी सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से उपयोग किया जाता है, तो ओटीपी का पूरा नाम क्या है? यह प्रश्न भी हम अपने वीडियो में शो कर चुके हैं, वन टाइम पासवर्ड। गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स किसके उदाहरण है? यह प्रश्न भी हम अपने वीडियो में बता चुके हैं, क्लाउड स्टोरेज सर्विसेज, तीनों ही क्लाउड के उदाहरण है। एमएस आउटलुक 2010 का मुख्य उपयोग है, आउटलुक का उपयोग हम ईमेल के लिए करते हैं, यह प्रश्न भी हम अपने वीडियो में बार बार बता चुके हैं। एमएस एक्सेल 2010 टूल जो किसी अज्ञात मान की गणना के उद्देश्य से पिछड़ा काम करता है, यह प्रश्न भी हम शो कर चुके हैं, फ्यूचर वैल्यू और अज्ञात वैल्यू को निकालने के लिए गोल सिक का यूज किया जाता है। एमएस 2010 में कौन सी कार्य क्षमता पृष्ठ लेआउट पेज लेआउट समूह विकल्प के साथ उपलब्ध नहीं है? टेबल। आंसर सी के टेबल विकल्प का उपयोग कर टेबल डालना। एमएस पावर पॉइंट में एनिमेशन पेन का उपयोग करते हैं, इसका उपयोग हम स्लाइड पर लागू एनिमेशन की सूची को देखने के लिए करते हैं, इसका आंसर बी सही है। यदि आप एमएस वर्ड 2010 में ग्राफिकल सूची, प्रक्रिया आलेख, वेन आलेख, संगठन चार्ट जैसे ग्राफिकल आलेख बनाना चाहते हैं तो हम यूज करते हैं, आंसर ए स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। इंटरनेट एक्सप्लोरर में विंडोज को वेब ब्राउजर द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है, यह प्रश्न भी हम अपने वीडियो में शो कर चुके हैं कि विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर की जगह कौन सा ब्राउजर दिया गया है? माइक्रोसॉफ्ट एज। आंसर बी। वर्ड 2010 में कौन सा अलाइनमेंट विकल्प बाएं और दाएं के बीच अनुच्छेद की प्रत्येक पंक्ति को अलाइन करता है, मींस दोनों साइड से पैराग्राफ को समानांतर करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं, आंसर बी। ईमेल भेजने के दौरान प्राप्तकर्ता ईमेल पता किसमें डाला जा सकता है? टू बीसीसी और सीसी, कार्बन कॉपी, प्लान कार्बन कॉपी और टू। किस नेटवर्क रणनीति में सभी नोड क्लाइंट और सर्वर के रूप में काम करते हैं? आंसर बी क्लाइंट सर्वर। बस टोपोलॉजी स्टार टोपोलॉजी का संयोजन है, कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी जिसे हम मैश टोपोलॉजी कहते हैं। लगभग सभी प्रश्न हमारे द्वारा जारी किए गए पहले वीडियो में से आए हैं। धन्यवाद।